नमस्कार, मैं पुनेश, मैं बिहार के रहने वाला हूँ, भोजपुर जिला का आरा जिला। और कई दिनों से मेरे मन में चल रहा था कि कुछ हम ऐसे चीज़ बनाएं जो कि हमारे बिहार वासियों के लिए काम में आए। मैं बता दूं आपको, ब्रिटिश हुकूमत जब नाक के पानी उनके ऊपर चला गया था तो महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन चलाए थे, बिहार के चंपारण जिला था और वहीं से पूरे देश में क्रांति हुई थी। तो मुझे यकीन है कि बिहार की उठ क्रांति ला सकते हैं। जिस तरह से भारत में या पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस को लेकर अभी जिस तरह से माहौल महामारी हुआ है, जो लोग भी घर प्रवासित होकर दूसरे राज्यों से चले गए हैं, पलायन कह सकते हैं उनको, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने बिहार में ही एक ऐसे जो स्व की बात करते हैं, हम स्वावलंबी कब बनेंगे, हम दूसरे पर आश्रित कब रहेंगे। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि हम जो आसरा लगा बैठे हैं दूसरे राज्यों के ऊपर, हम अपने बिहार के ऊपर आसरा लगाएं। बिहार में खुद से हम कोचिंग चला सकते हैं। जो गांधी जी के बहुत सारे बातें मुझे याद आ रही हैं कि उन्होंने स्वावलंबी की बात की है कि हम खुद से स्वावलंबन करें, हम खुद से निर्मित करें। गांधी जी एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, आप लोगों को शायद मालूम होगा, बहरूप उनको बोलते थे। वो कताई भी करते थे, बुनाई भी करते थे, सिलाई भी करते थे, मोची का भी काम करते थे, दर्जी का भी काम करते थे, खाना भी बनाते थे, सारे काम करते थे महात्मा गांधी जी। मेरा रिक्वेस्ट है कि क्यों नहीं हम बिहार को एक गांधी के दृष्टि से हम उनको आगे बढ़ाएं, बिहार में एक ऐसी क्रांति लाएं, एक ऐसी शिक्षा पद्धति लाएं जो हमारा बिहार पूरे विश्व में एक सर्वोत्तम बिहार बन के निकले। मेरा मानना है मित्रों दोस्तों, जितने भी हम बाहर पलायन होकर चले गए हैं, पुनः वापस एक बिहार को एक यूथ की ज़रूरत है, एक युवा की ज़रूरत है, जो कि हम जितने युवा हैं वो प्रवासित होकर कहीं ना कहीं हम दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में, दूसरे हम देशों में चले गए हैं। मैं उन लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ कि आएँ और आकर अपने बिहार को संभालें, क्योंकि बिहार युवा मांगता है और हम युवा हैं, हम अपने बिहार को एक अच्छा बिहार बना सकते हैं। तो सबसे निवेदन है कि जो भी हमारा दौर बिहार का, इतना सभी राज्यों के पीछे हम लोग हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में हमारे यूथ इतने आगे हैं, आईपीएस आईएएस अधिकारी बनते हैं, आईएटीएन बनते हैं, जो कई सारे मुद्दे हैं रोज़गार के क्षेत्र में, हम दिल्ली बॉम्बे ढकाई चले जाते हैं। मेरा मानना है कि वहाँ ना जाकर हम अपने बिहार में ही अपना काम शुरू करें, सरकार से मांगें, सरकार की योजनाओं का लाभ लें, उनके जो भी योजनाएं मिलती है सरकार की उनको हम फायदा लें, उनको समझें। कई सारे चीज़ है कि हम योजनाओं तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप लोगों को पता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार देती भी है, आप लेते भी नहीं है, क्योंकि आप उसको जानकारी नहीं रखते हैं। आप सिर्फ ये जानकारी रखते हैं कि श्रम जो हम कर रहे हैं उसका बेनिफिट क्या है, क्या नहीं है, मुझे नहीं पता। हम बिहारी मजदूर, हम बिहारी भाई 4000 रुपये भी दिल्ली में जॉब करते हैं, 5000 रुपये जॉब करते हैं, हम अपने श्रम का कोई मूल्य नहीं रखे हैं। ये गलत बात है, नहीं रखना चाहिए। अगर मैं 25000 का जॉब कर रहा हूँ या 25000 के श्रम लायक जॉब कर रहा हूँ तो मुझे 25000 मिलना चाहिए। हम क्यों दूसरे राज्यों को प्रॉफिट दें? मुझे दूसरे राज्यों को प्रॉफिट नहीं देना है, हम अपने बिहार को प्रॉफिट देना है। हम बिहार के बिहार में कमाएंगे और बिहार को ही रेवेन्यू देंगे। और कहीं ना कहीं हम सरकार का इतना हम दोष दे दिए पिछले वीडियो में, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भी दोष है कि हम अपने लोग जब बचपन में हम पैदा होते हैं तो सपना देखते हैं कि हम पढ़ने के लिए दिल्ली जाएंगे। नहीं, हम बिहार में ही रहकर पढ़ सकते हैं। बिहार में कई सारे संभावनाएं हैं, नई तालीम है बिहार में जो चंपारण में है, जो गांधी जी का है, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्वास्थ्य को दृष्टि से देखें तो कई सारे डॉक्टर्स बिहार से, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी की हम बात करें, मंगल प्रभात जो गांधी जी का है हम उन पर बात कर लेंगे, या रचनात्मक कार्य। हाँ, एक मुझे बात याद आ रहा है कि एक यूथ जो होता है, यूथ के अंदर बहुत रचनात्मक कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। बुजुर्गों या जैसे कि हम एज एक क्रॉस कर जाते हैं उसके अपेक्षा हम यूथ हर चीज़ कर सकते हैं। हम बिहार में क्या चीज़ की कमी है? क्या हमारे पास संपदा नहीं है? है। कोसी को ले लेते हैं बाढ़ वाली, तो कोसी की जो बाढ़े जब भी बांध टूटता है तो कई सारे गांव लुप्त हो जाते हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनता है कि हम कोसी के लिए कुछ काम करें? बिहार में बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं,
अभी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। एनजीओ के नाम पे लूटना बंद करिए, सरकार को लूटना बंद करिए, सरकार तभी भी लूट रही है। और एक बात बताऊं, गांव गांव में स्वराज की भावना हो, महात्मा गांधी जी का गांव गांव में स्वराज। महात्मा गांधी ग्राम में की बात करते हैं, वो कहते हैं ना कि हम शहरी बाबू हैं। कहाँ गया शहरी बाबूपना बताइए जड़ा। कोरोना के आने कारण जितने शहरी थे घर चले गए, अपने गांव चले गए। अरे भैया, भारत दिलों में और गांवों में बसता है। हम विलेज में कई सारे औद्योगिक क्रांति ला सकते हैं, इंडस्ट्री ला सकते हैं, मुर्गी पालन, बकरी पालन, दूध उत्पादन, उसके बाद मछली पालन हो गया, मुर्गा पालन हो गया, बहुत सारे चीज़ें हैं। खादी को ले सकते हैं, चरखा से कटाई बुनाई कर सकते हैं, हम कुटीर उद्योग कर सकते हैं, हम हाथों का काम कर सकते हैं जो कुम्हार भाई लोग करते हैं, हम बढ़ईगिरी कर सकते हैं, बढ़ई में अच्छे अच्छे क्राफ्ट कर सकते हैं। हम इस वीडियो में आपको हम कुछ ऐसे चीज़ जोड़ेंगे जो कि जो मिट्टी का बना हुआ बर्तन है, कुछ लकड़ी का बना हुआ नमूने, उनकी इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है, आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। बहुत सारी संभावनाएं, हम बिहार में क्यों नहीं अपनी संभावनाओं को ला रहे हैं? हम सारे जैसे कि अस्थाई समाज व्यवस्था का निर्माण क्यों नहीं कर रहे हैं बिहार में? हमको जाति धर्म सब चीज से ऊपर आना है और बिहार को आगे बढ़ाना है। और हम बताते हैं थोड़ा सा, मैं एक छोटा सा एक आपको बता रहा हूँ पंचायती राज को लेकर, जो महात्मा गांधी ने दिए। पंचायती राज एक ऐसी व्यवस्था है, हमारी न्याय की व्यवस्था कह सकते हैं, हमारी प्रजातंत्र में जो चल रहे हैं उसका एक पंचायती राज व्यवस्था है। मुझे लगता है कि जितने हम अपना उम्मीदवार को चुनते हैं, पूरे गांव-गांव को हम एक समावेश करके बांध के रखते हैं, उसको पंचायती राज बोलते हैं। शायद मेरा परिभाषा वही है कि पूरे गांव को बांधना, एक एकता लाना, एक शांति लाना, एक अखंडता लाना, रोजगार प्रोवाइड करना। मेरा मानना है कि आप पंचायती राज को ले लीजिए। तो एक थोड़ा सा मैं बात बताऊं, पंचायती राज में हम जिस मुखिया को चुनाव करते हैं, क्या मुखिया आपको काम करता है, कितना शिक्षित है, ज़रा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। बिल्कुल नहीं, अगर मैं अनपढ़ हूं तो मुझे वोट मत करिए, करिए अगर मैं आपको काम करूं तो, आपके जज्बा, आपके महसूस, आपके फीलिंग को समझ पाऊं तो। मैं कुछ बताऊंगा गांधी जी की एक आत्मकथा, जिन्होंने गांधी जी ने, देखिए कितनी अच्छी बात है कि महात्मा गांधी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ पर जाने के आश्रम व्यवस्था लाया। दक्षिण अफ्रीका जो कि उनकी भाषा नहीं, वहाँ के लोग नहीं, उनकी जो रंग है वो भी नहीं, कोई नहीं था। महात्मा गांधी जी ने जो भारत की पुरातन सभ्यता थी उसको वहाँ पर स्थापना करते हैं दक्षिण अफ्रीका में, उसको आश्रम एक व्यवस्था के रूप में बनाते हैं, खुद से खेती करते हैं, खुद से फसल उपजाते हैं, खुद से कढ़ाई बुनाई सिलाई फराई सब करते हैं महात्मा गांधी, जो हम लोग भी कर रहे हैं। आप भी करिए, सर्वोदय के साथ जुड़िए, गांधी दर्शन के साथ जुड़िए, कई सारे संस्थाएं उनके साथ जुड़िए, चरखा चलाइए। आप हिंद स्वराज को ले लीजिए, महात्मा जी को अगर ज़्यादा पढ़ना है तो हिंद स्वराज पढ़िए। बिहार के जितने यूथ हैं, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरा ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, लेकिन मैं मानूंगा कि बिहार के यूथ को गांधी जी को पढ़ने की ज़रूरत है। जिस दिन पढ़ जाएंगे उस दिन पक्का मैं गारंटी देता हूं कि बिहार में इंडस्ट्री होगी और हम खुद बनाएंगे, हम ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखिए, बस ज़्यादा नहीं कहेंगे, हम गांव में बहुत सारे उत्पादन कर सकते हैं। बकरी चराना बुरी बात नहीं है, दूध उत्पादन बुरी बात नहीं है, करना चाहिए। और सरकार आपको एक बढ़िया सब्सिडी भी दे रही है इस चीज़ों के लिए, लाभ उठाएं। और कोरोना से जब निपट जाएं तो बिहार में ही रहें, बिहार में ढूंढें अपना रोज़गार कि हमारा रोज़गार कहाँ मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो सरकार से लड़ें, खुद शुरू करें, सरकार आपको भी देगी, सहयोग देगी। अगर नहीं देती है तो आपकी जिम्मेदारी है छीनना, क्योंकि आप उनको वोट किए हैं। बस बस, शुक्रिया।